हेलो, वेलकम बैक। तो अभी तक आपने क्या देखा? मैक्सवेल इक्वेशन भी देख लिया। मैक्सवेल इक्वेशन से जो हमें सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, मतलब लम्प्ड मैटर डिसिप्लिन भी देख लिया, और उसके कॉन्स्टेंट्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तब हम डिराइव करते हैं किसको? किरचॉप्स के लॉ को। ठीक है, जो अक्सर आप इसको इसको स्किप किया करते हो। ठीक है, अक्सर बुक्स में क्या होता है कि केवीएल केसल से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें पता नहीं चल पाता कि केवीएल केसल किसी ने क्यों सोचा है, कहाँ से आया है, क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को तो वो सोचता नहीं, तो ये सोचना ज़रूरी है। ठीक है, हमारे मकसद पूरा होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता हूँ कि हमें लर्निंग सीखना है, हमें लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जाना है, हमें लर्निंग को इन्जॉय करना है। ठीक है, टारगेट आपका जो हो सब चीज़ मिल जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से फर्स्ट रैंक ला दो आप, ईएस में और गेट में और पीएसयू में कुछ भी कर सकते हो, यदि आपने क्या किया, पढ़ाई अच्छे से किया तो। ठीक है, तो प्रोसेस एंजॉय करो। आज का क्या काम है, आज का टारगेट क्या है, आज पे फोकस करो, आज बनाओ। भूल जाओ कि क्या था, एक बार टारगेट बना दिया कि हमें करना क्या है गेट में, जस्ट हमें क्रैक करना है या ईएस क्रैक करना है, एक बार टारगेट हमने बना लिया। ठीक है, या हमें बीटेक में बेहतरीन मार्क्स लाना है, या हमें बीटेक में सीखना है। ठीक है, तो जो भी है, ठीक है, आप जो भी टारगेट आपका है, तो एक बड़ा सा टारगेट आपके आपका अलग है। आप हमेशा देखो कि हमें सीखना कैसे कैसे है। ठीक है, प्रोसेस को एंजॉय कैसे करना है, तो ये इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किरचॉप्स लॉ को हमने डिराइव कैसे किया है, किरचॉप्स ने कैसे सोचा होगा, या मैक्सवेल के अनुसार से यदि हम इसमें डिराइव करने की कोशिश करें किसको, किरचॉप्स लॉ को। किरचॉप्स लॉ में दो चीज़ क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, एक है केवीएल और एक है केसीएल। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को हम देखेंगे कि ये केवीएल और केसीएल, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ और किरचॉप्स करेंट लॉ, ये क्या होता है उसका डेरिवेशन मैक्सवेल से। ठीक है, चलो तो उसके लिए वेरी फर्स्ट हम एक सर्किट एज्यूम करते हैं जिसमें कई सारे लम्प्ड एलिमेंट लगे हुए हैं। ध्यान रखना, लम्प्ड एलिमेंट एक वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, तो एक एलिमेंट लेट से कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इसी में कई सारे रेसिस्टेंस भी है, तो लेट से कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ठीक है, एक और रेसिस्टेंस है, एक और रेसिस्टेंस है, ये डिफरेंट रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, और नॉमिनक्लेचर कर देते हैं सभी का, जैसे सबसे पहले नोड का इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो नोड्स हैं वो क्या क्या है, एक यहाँ पे नोड्स है, एक यहाँ पे नोड्स है, एक यहाँ पे नोड्स है, और एक यहाँ पे नोड्स है, जहाँ पे दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल रहा हो। तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे, तो इतने नोड्स है, तो इस नोड का नाम हम लिख लेते हैं, लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा मेन इंटरेस्ट रहता है वो इन सब चीज़ों में रहता है, हर ब्रांच का वोल्टेज और हर ब्रांच का करंट, ये हमारा मेन इंटरेस्ट रहता है। ठीक, तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने ये सब लिखना शुरू किया कि लेट से कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे वी वन है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, आर्बिट्री आपने कुछ भी दे दिया, ये वी टू है, ये प्लस ये माइनस, ये वी थ्री है, ठीक है, और यहाँ पे लेट से ये प्लस ये माइनस वी फोर है, तो चार जो प्राइम इंपॉर्टेंस है, और इसको वी फाइव भी कह सकते हैं, तो ये ऑलरेडी मालूम है, ये वी सपोज करो कि ऑलरेडी मालूम है, तो फिफ्थ हमें मालूम है। ठीक है, तो ये अननोन हमने बनाया, क्लियर। इसमें करंट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उस पर हम करंट पे बाद में आएंगे, पहले हम केवीएल को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लूप सेलेक्ट किया, सपोज करो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से यहाँ गए, मतलब एक लूप हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि क्लोज पाथ हमें चाहिए। मैक्सवेल इक्वेशन में हमेशा इंटीग्रेशन वगैरह हम क्लोज पाथ में कर देते, तो हमने एक क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया, ए टू बी, बी टू सी। ठीक है, और जो दो मैक्सवेल इक्वेशन मेनली यहाँ पे लगेगा, तो इसमें मैक्सवेल इक्वेशन इसमें देखते हैं जो ई डॉट डी एल था, ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी है। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं, और एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हम एल एम डी प्रिंसिपल चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लम्प्ड मैटर डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, जो डी फाई बी बाई डी टी होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। चलो इसको फॉलो करते हुए हम लिखते हैं कि ई डॉट डी एल क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन
जीरो हो गया। अब चलो यहाँ पे इस क्लोज पाथ को जो हमने कंसीडर किया है वो है ए टू बी, बी टू सी एंड देन अगेन सी टू ए। ये क्लोज पाथ हमने क्या किया है, कंसीडर किया है। ये क्लोज पाथ हमने यहाँ पे कंसीडर किया। चलिए तो इसके लिए लिखना शुरू करिए। देखिए तो आप इसको लिख सकते हो कि इस ई डॉट डी एल को पहले, ई डॉट डी एल को फ्रॉम इनिशियल ए टू बी हम लिख सकते हैं, फिर इसको बी से सी लिख सकते हैं, फिर इसको सी से डी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, सभी मिलकर क्लोज इंटीग्रेशन हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब जरा सा जाओ तो इसको डिफिनीशन ऑफ वोल्टेज से, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ वोल्टेज इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एल ए टू बी, ये इनिशियल ये फाइनल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एक होता तो उसको पीछे ले जाओ। तो इसी चीज़ को हम चाहे तो कितना लिख सकते हैं, माइनस वी बी ए। तो ये कहाँ से हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस वी सी बी। इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस वी डी सी इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब इसको माइनस को चाहो तो आप इसको ए बी एक्सचेंज कर दो तो बात बराबर ही होगा। तो वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी ए, सॉरी दिस वॉज सी टू, सी टू डी नॉट सी टू ए, सॉरी राइट ऑन सी टू ए, क्लोज पाथ में ए पे आप गए थे। तो इसको आप लिखोगे ए सी, तो इसको सी इजकल टू जीरो, ठीक है, जस्ट करेक्टेड। ओके तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंच गया है, दिस इज नथिंग बट वॉट। ये क्या है आपका, यही तो केवीएल है, इसी को तो आप लगाते हो। तो देखो एलएमडी को फॉलो कर रहे हो, यही हमारे पास में केवीएल हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, केवल कहते हैं, ठीक है। वोल्टेज का डेफिनेशन याद रखना कि यदि हमें देखो वी ए बी लिखा गया है मतलब है वी ए माइनस वी बी, ओके। और इसका मतलब ए से ए इनिशियल है बी फाइनल है, वी ए माइनस वी बी। तो इसको हम कैसा लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एल, फाइनल इज ए इनिशियल इज बी, फ्रॉम बी टू ए, यही डेफिनेशन होता है ना वोल्टेज का। इसी को हमने यहाँ पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डेफिनेशन, के वी एल आ गया। तब के वी एल को हम सिंप्लीफाई करके एक एक उसमें लिख सकते हैं। तो लिखिए के वी एल क्या कहता है, के वी एल का स्टेटमेंट क्या कहता है, एक चीज़ प्रूफ, ठीक है, ये तो प्रूफ करना था हमें। देखो मैक्सवेल से हम जान गए, देखो कितना सिंप्लीफाइड वर्जन है, कहाँ इंटीग्रेशन कहाँ अल्जेब्रिक इक्वेशन, यही तो हमारा टारगेट था। तो एक एक इंटीग्रेशन से एक अल्जेब्रिक इक्वेशन पे आ गए, लेकिन उसमें उसमें आने के लिए ये कॉन्स्टेंट्स को हमने फॉलो किया। इसको भूल जाओगे तो फिर से वो इंटीग्रेशन वो कॉम्प्लेक्स जो मेथड है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम के वी एल के बारे में लिख देते हैं कि के वी एल क्या कहता है। के वी एल को लिख सकते हो द अल्जेब्रिक, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस, अराउंड एनी क्लोज पाथ, इन अ नेटवर्क, मस्ट बी जीरो, सो सिंपल। देखो अब ये यदि आप ऑब्जर्व कर लेते तो आप लिखते, केवल ने ऑब्जर्व किया मतलब क्रेचॉप्स ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने लिखा, ठीक है। तो बहुत सिंपलफाइड सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसा आ गया। इसी चीज़ को यदि आप सपोज करो कि आप लिखना चाहते हो यहाँ पे जो मार्क्ड है उसके अनुसार से, ठीक है, इसी को आप लिखना चाहते हो मार्किंग के अनुसार से, जैसा ये मार्क्ड है वैसा। तो देखो क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, वी ए बी यहाँ जो है वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी, वी ए की जगह पे प्लस है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस वी वन। वी बी सी, बी माइनस सी, यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस वी टू। और यहाँ पे वी सी ए मतलब सी माइनस ए मीन्स व्हाट, वी थ्री बराबर जीरो। ये भी क्या है, उसी का फॉर्मेट है जो आपके सिंबल में आ गया या ये आ गया, क्लियर। तो केबल आपको पता चल गया कि केवल क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में,
केसीएल क्या है। तो अभी आपने इसमें प्रूफ कर दिया केवीएल को, केवीएल को मैक्सवेल के अनुसार से प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं केसीएल पे, डेरिवेशन ऑफ केसीएल। तो अब एक नोड हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो लेट्स से कि हम इसी चीज़ को कंसीडर करते हैं, इसी को ही कंसीडर कर लेते हैं, जो हमारे पास ये सर्किट है। लॉक नहीं है शायद, ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम दूसरा बना लेते हैं एक और। जैसे अगेन हम उसी सर्किट को कंसीडर करते हैं जो हमने सर्किट अभी कंसीडर किया है, उसी को कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे जो केसीएल है, इस केसीएल को क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किससे, मैक्सवेल से। तो जैसे देखिए, सपोज यहाँ पे एक ब्रांच था ऐसे, तो हम इस नोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, इस नोड में हमें चीज़ें दिखे, इसलिए हमने इसने नोड को थोड़ा सा क्यूबिकल बना दिया, ताकि हम सरफेस एरिया और इन सब चीज़ों को कंसिडर कर सकें। ठीक है, तो ये नोड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक नोड यहाँ से जुड़ा हुआ है, ए नोड को हमने, ये नोड एग्जैक्टली ए है, जस्ट हमने उसको एक्सपैंड करके बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ये ऐसे जुड़ा हुआ था, और इसमें एक बैटरी है। ठीक है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से कि अब हम यहाँ इमेजिन करते हैं कि इसमें करंट जो एंटर कर रही है वो है IA, इसमें जो एंटर कर रही है वो है IB, और इसमें जो एंटर कर रही है वो है IC। ठीक है, और इसमें जो सरफेस एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं वो ये सरफेस में एक एंटर कर रही है, एक ये सरफेस है जिसमें एंटर कर रही है, और एक ये सरफेस है जिसमें करंट एंटर कर रही है। ठीक है, ये तीन सर्फेस है। अब इस केस में यदि हमें मैक्सवेल का इक्वेशन लगाना रहे, जैसे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन आपको पता है, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन को आप यूज करोगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन को आप यूज करोगे, तो जे डॉट डी एस लिखोगे, और जे डॉट डी एस जो होता है इसका इंटीग्रेशन वो कितना हो जाएगा, वो माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू LMD, यदि हम इसमें फॉलो करें LMD के कॉन्स्टेंट्स को, उसके प्रिंसिपल को, तो उसके अनुसार से हमें ये करना पड़ेगा कि डी क्यू बाई डी टी को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। और यदि ये ज़ीरो है तो इसी को क्या लिख सकते हो, जे डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि IA वाले पार्ट में लिखे जे डॉट डी एस, तो इसमें जो एस है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, IA क्या है इस डायरेक्शन में, ये क्या है, इसको एस ए कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एस बी कह सकते हैं, और यहाँ पे एस सी कह सकते हैं, ये तीन हमारे पास में। तो इसको यदि लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे कि जे डॉट डी एस निकाल दो, लेकिन आपको एस ए सरफेस में निकालना है। ठीक है, प्लस जे डॉट डी एस निकाल दो एस बी सरफेस के लिए, फिर जे डॉट डी एस निकाल दो एस सी सरफेस के लिए। ठीक है, और बाकी सरफेस के थ्रू करंट ही जीरो है, तो बाकी दो जो सरफेस है, जैसे एक दो तीन हो गया, और बाकी के जो तीन सरफेसेज है वो सभी के थ्रू जे डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं आप सोचो, ये चीज़ क्या है, जे डॉट डी एस मतलब माइनस आई
जे डॉट डी एस इसमें करेंगे तो आई टाइम्स ऑफ जे डॉट डी एस, और ये एक करेंट का फॉर्मेट हो गया ना, करेंट डेंसिटी इनटू एरिया करेंट हो गया, तो दिस इज नथिंग बट नेट करेंट आई ए, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ, माइनस आई बी माइनस आई सी बराबर जीरो। तो कुछ भी नहीं है, ये क्या आ गया, ये आ गया कि यदि आई ए आई बी और आई सी को एक नोड पे जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, समेशन जीरो आ जाता है। ये तो क्या हो गया, केसी हो गया, सो सिंपल, ये भी डिराइव हो गया, हो गया। तो देखो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, यही चीज़ हमारे पास में क्या लिखा है, केसीएल। केसीएल को हम एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, अल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट फ्लोइंग फ्लोइंग इनटू एनी नोड मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड हो गया कि एक नोड है और यहाँ से यदि कितना भी करंट ऐसे एंटर कर रही है, ये लेट से आई वन है, ये आई टू है और ये आई थ्री है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री बराबर जीरो। इसको दूसरे सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं कहूँ कि इसी नोड को आप पढ़ना शुरू करो और मैंने कहा कि दिस वन इज़ आई वन ओके, दिस इज़ आई टू ओके, लेकिन मैं इसमें इसको लिखना चाहूँ, इसको सपोज आई थ्री डैश लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई थ्री और आई थ्री डैश और आई थ्री में क्या रिलेशन है, आई थ्री डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई थ्री। तो अकॉर्डिंग टू इसको केसीएल लिखोगे, आप इसको केसीएल के अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू और इनकमिंग करंट, दिस इज आउटगोइंग, ठीक है, आई थ्री और माइनस ऑफ आई थ्री डैश इजकल टू जीरो बिकॉज टोटल इनकमिंग दिस वॉज आउटगोइंग। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब आई वन प्लस आई टू माइनस ऑफ माइनस आई थ्री क्या हो जाएगा, प्लस आई थ्री बराबर जीरो, सेम रिजल्ट। ओके, तो सेम सेम हो गया ना, ठीक है, या इसको इसको दूसरे फॉर्मेट में क्या लिख दिया, इसको ऐसे देखोगे तो यही चीज़ कैसे देखना शुरू हो गया, आई वन प्लस आई टू बराबर आई थ्री डैश, सभी सेम ही है ना, ये कहो ये कहो ये कहो, तो क्या हो गया, टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग बराबर हो गया। तो और इसी को हम इस स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं, इसको और कह सकते हैं, द करेंट फ्लोइंग आउट ऑफ एनी जंक्शन, आउट ऑफ एनी जंक्शन और नोड मस्ट इक्वल द करेंट इन, जो करेंट इन हो रहा है और आउट हो रहा है वो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, केसीएल को यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको केसीएल भी पता चल गया, आपको केवीएल भी पता चल गया, अब हम देखते हैं ओम्स लॉ को, तो तीन जो इंपॉर्टेंट टूल है वो आपको पता चल गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं कि हमारे पास में ओम्स लॉ कैसे आया है, ओम्स लॉ को कैसे डिराइव करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ कैसे डिराइव है, तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ पे हम आते हैं, ठीक है। अब ओम्स लॉ को समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक से चीज़ों को जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कंसिडर किया कि एक एलिमेंट है हमारे पास में, एक एलिमेंट को हमने कंसिडर किया है और एक एलिमेंट में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये लेट्स से कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक पोटेंशियल लगा दिया है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल लगा दिया है, इसको प्लस इसको माइनस इसको वी करके, ठीक है, और इसमें कुछ डायमेंशन वगैरह हम मान लिए हैं कि इसका लेंथ एल है और इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया ए है,
ये उसका एरिया है, ठीक है। अब यदि इस मटेरियल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाए, यदि इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, लाइक सपोज करो कि इसमें यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपीयर करा देते हैं, तो जितने भी इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू कर देंगे, और जो इधर मूवमेंट है इसी को हम कहेंगे कि ड्रिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। ये ड्रिफ्ट करना शुरू कर जाएगा, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, VD। तो यहीं से एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड कह दो ऐसे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ पे आ जाएगा। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो एक ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और अभी अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमने इस पूरे मैटर में बनाया है, ये V वोल्टेज और L है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होगा, और उस रिलेशन को हम यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हैं, वो कितना, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस E को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई L भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये भी हम रखेंगे, क्योंकि अभी अभी देखा था V इक्वल टू E टाइम्स ऑफ L, तो ये इतना हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड पे। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है VT, उसको हम L बाई T लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो L है वो ड्रिफ्टिंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन है इन टाइम T, ठीक है। तो जहाँ पे L डिस्टेंस ड्रिफ्टेड है इन टाइम डेल T, तो आप लिख सकते हो कि इफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अ डिस्टेंस L इन लॉन्ग टाइम एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे ड्रिफ्टिंग समझने के लिए आपको और बेसिक में जाना पड़ेगा। जो मैटर, जो कंडक्टर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक रैंडम मोशन भी होता रहेगा, वो इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, जिगजैग पैथ में कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। और किसी एक क्रॉस सेक्शन को यदि आप फिर देखे कि कितना इलेक्ट्रॉन्स इधर गया और कितना इलेक्ट्रॉन्स इधर गया, तो आपको क्या दिखेगा, वो सेम सेम दिखेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नली कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं किसी कंडक्टर में, जैसे वायर, वायर एक कंडक्टर है, यदि उसको बैटरी से नहीं जोड़ो या अपने प्लग से, वॉल के प्लग से नहीं जोड़ो, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहता है, लेकिन एक खास क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज पास नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि करंट जीरो हो गया। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जैसे ही वॉल आउटलेट से हम उसमें सोर्स देंगे, कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वो क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अब अपने अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्यू टाइम्स ऑफ ई होता है, ठीक है ना। ये ड्रिफ्टिंग किस वजह से हुआ है, फोर्स की वजह से। ये फोर्स कितना होता है, क्यू टाइम्स ऑफ ई होता है, और चूंकि क्यू नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन का, तो ये माइनस होने की वजह से क्या होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ड्रिफ्टिंग शुरू हो गया। अब ध्यान देना, ड्रिफ्टिंग के समय में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है आगे, क्रिस्टल भी है आगे उसका, जो कुछ एटम्स भी है उसके, नाइबर एटम्स भी है, वहां से टकराएगा भी, ठीक है। तो जो जो मेन पार्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेन उस पर फर्क करेगा, या मेन उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उस समय जब वो दो कॉलिजन के बीच में, जैसे कोलाइड किया, रुका, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अपेयर हो रहा है, उसको खींचना शुरू कर देगा, फिर कोलाइड, मतलब दो कॉलिजन के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली क्या होता है, इफेक्टिव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर पाता है, इन्फ्लुएंस कर पाता है उसके मोशन को, उसके फोर्स को, ठीक है। तो ये हमें जानना जरूरी है, ठीक। तो ड्रिफ्टिंग एक तरह से क्या होगा, तो अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो नेट एक तरह से ड्रिफ्ट करना शुरू कर जाएगा, कौन सी कर, ठीक है। तो चलो, अब यदि इस कॉन्सेप्ट को हम सिंप्लीफाई करें, तो एल कोई लिखने के लिए कहा, ठीक है, तो आप एल मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो कि जाके दूसरे में कोलाइड किया, तो जैसे ही कोलाइड करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। अब फिर उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करेगा, उसको इधर ले जाना, ठीक है, फिर कहीं दूसरे से टकरा जाएगा। तो
तो जो एल डिस्टेंस ये चला है वो कब चला है, एक बार यू जीरो से लेके और समथिंग यहाँ तक आते आते वी होगा, और जहाँ पे वो कोलिजन से जस्ट पहले पहले। तो इस एल को यदि हमें लिखना रहे तो हम जैसे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो हाफ चूंकि यू जीरो है ए टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, और यहाँ पे इस टी को मैं टाउ कह देता हूँ, जहाँ पे टाउ को हमें क्या लिखना चाहिए कि एक एवरेज टाइम है। टाउ को हम लिख सकते हैं एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव व्हाट कॉलिजन, दो कॉलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम मिला है, क्योंकि उतना ही टाइम में क्या हो रहा है एक्सलेट कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाया। ठीक है, तो अब इस एक्सलेशन को भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एफ बराबर क्यू टाइम्स ऑफ ई होता है, और एफ को मास टाइम्स ऑफ एक्सलेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो एल होगा इसको हम इसी एल को हाफ टाइम्स ऑफ, अब देखो ई चार्ज मान लिया, जैसे ये जो क्यू है वो ई हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और टाइम्स ऑफ ई कर दिए ये फोर्स हो गया। ठीक है, और इस फोर्स में मास से डिवाइड कर दिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसका एक्सलेशन हो गया इंटू टाउ का स्क्वायर। ये क्या आ गया, लेंथ जो ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, ये हमें पता चल गया। तो इसीलिए अब ड्रिफ्ट स्पीड हम बता सकते हैं, इसलिए ड्रिफ्ट स्पीड एक हम डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू एल बाई टाउ, क्योंकि ये डिस्टेंस चलने में उसने टाउ समय लगाया, तो ये क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ ई बाई एम टाइम्स ऑफ टाउ। तो आपको दिख रहा है कि इस केस में यदि हम देखें तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ई पे डिपेंड कर रहा है और टाउ पे डिपेंड कर रहा है, और टाउ मटेरियल का प्रॉपर्टी हो जाएगा, मतलब मटेरियल का कंस्ट्रक्शन कैसा है। ठीक है, मतलब उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पे होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ एक चीज़ हम यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हैं कि वी डी इज़ प्रोपोर्शनल टू ई एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, ये दोनों के इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और एक चीज़ नोट करके रखना चाहिए, नोट करके कि एग्जैक्टली जो ये ड्रिफ्ट स्पीड है इसी ड्रिफ्ट स्पीड की वजह से करंट में कंट्रीब्यूशन होगा, जो उसका इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है, जो हम कह सकते हैं कि उसके थर्मल इन्वायरमेंट के थर्मल मोशन, उसे भी हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की वजह से उसमें है। ठीक है, तो रैंडम मोशन कभी भी करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि रैंडम मोशन करता तो बिना बैटरी का भी हम उसमें क्या कर सकते थे, करंट फ्लो होती किसमें, वायर में। ठीक है, तो नोट करके इसमें लिखना है कि रैंडम मोशन डज नॉट कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट टू द ड्रिफ्ट, और यू कह सकते हो करंट ड्रिफ्ट में कंट्रीब्यूशन रैंडम मोशन का नहीं होता है। ठीक है, तो एक तरह से वीडी हमने डिफाइन कर लिया, और इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इस वीडी को बाकी जब एक मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं तो टाउ भी उसका सक्सेसिव के बीच का जो टाइम होगा सक्सेसिव कॉलिजन का वो भी फिक्स हो जाएगा, तो इसमें हाफ ई टाउ बाई एम को हम एक मान सकते हैं और ई को दूसरा, तो वी डी डायरेक्टली के टाइम्स ऑफ ई कह सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा, वेयर जो के है, वेयर जो के है, के किस पे डिपेंड करेगा, वेयर के डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, मटेरियल और टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड करेगा, के डिपेंड करेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं, हम अभी ओम्स लॉ की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में कंसीडर करते हैं कि नाउ कि चार्ज, जैसे अब सोचो कि ये जो फिगर है यहाँ जो बताया गया है इसमें ड्रिफ्टिंग वीडी है, और डेल्टा टी समय में सारे यहाँ पे जो चार्ज होंगे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो इस लेंथ को हम चाहे तो डेल्टा टी टाइम्स ऑफ वी डी लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी टाइम्स ऑफ वी डी में
जो यहाँ का इस सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस सरफेस पे पहुँच जाएगा, ठीक है, उतना क्रॉस कर जाएगा, क्लियर। तो यदि हम ऐसा एक चीज़ आपसे पूछे कि चार्ज क्रॉसिंग द एरिया, चार्ज क्रॉसिंग द एरिया ए इन टाइम डेल्टी, यदि हम ये पूछे तो कितना कहोगे? देखो इसको हम इतना लिख सकते हैं, लेट्स से कि वो चार्ज को हमने डेल क्यू कह दिया, तो डेल क्यू इज इक्वल टू एक नंबर यहाँ पे मानते हैं एन, जो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इनटू वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम को क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वी डी टाइम्स ऑफ डेल्टी भी लिख सकते हैं, ये लेंथ, ये वॉल्यूम हमारे बता देगा, ठीक है, और इनटू हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था, टोटल चार्ज कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम, और ये क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेल क्यू आ गया। तो अब यहाँ से आपको कोई कहता है कि डेल क्यू बाई डेल टी निकालने के लिए, तो आप कितना लिखोगे इसको, एन टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ वी डी टाइम्स ऑफ ई, और इसको क्या कहते हैं, इसको तो करेंट ही तो कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर का रेट पर यूनिट टाइम करेंट, तो इसको आप करेंट कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, आपके पास एक चीज़ आ गया कि अब करेंट इज इक्वल टू आपके पास है एन ए वी डी टाइम्स ऑफ ई, और आप चाहो तो यहाँ से करेंट पर यूनिट एरिया भी निकाल सकते हो, और करेंट पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, करेंट डेंसिटी, वो कितना हो जाएगा, एन ई वी डी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके कंक्लूजन पे आ गया, एग्जैक्टली जी इज इक्वल टू एन ई वी डी, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आप आ गए, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, वी डी के एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो वी डी के एक्सप्रेशन को पुट करते हैं, देखो कि क्या आता है, अभी तक हमारे पास आया है जे इजकल टू एन ई वी डी, चलो इसमें वी डी के एक्सप्रेशन को पुट करो, तो एन ई टाइम्स ऑफ वी डी, अभी अभी हमने देखा है कि हाफ टाइम्स ऑफ ई टाइम्स ऑफ टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील होगा, ये हो जाएगा, इसमें सभी को एक साथ रखो, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम, 2m, इसको एक साथ रख दो और यहाँ पे e रख दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि जे इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ई, वेयर इस सिग्मा को हम क्या कह रहे हैं, तो ये सिग्मा है और हम क्या कह रहे हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी का, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक और चीज़ बताया गया है, 1/σ को रो कहा जाता है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इसको रेसिस्टिविटी, ठीक है। और एक्चुअल में ओम्स लॉ यही है, यही क्या है, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ भी हमारे पास में क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, कैसे हमने बनाया, यहाँ तक हम आ गए, लेकिन इसको हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, इस ओम्स लॉ को जिस फॉर्मेट में आप जानते हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक फर्दर एनालिसिस इसमें और कर रहे हैं। तो देखो कि इसमें जे को तो हम लिख पाए थे कितना, आई बाई ए, ठीक है, और सिग्मा टाइम्स ऑफ ई है, तो सिग्मा टाइम्स ऑफ ई को अभी अभी बताया था कि हमने वी बाई एल भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में यदि कोई पूछता है कि आई कितना है, तो आप कहोगे सिग्मा ए बाई एल इंटू वी, ठीक है, और इसको चाहो तो दूसरे फॉर्मेट में वी इज इक्वल टू लिखना है,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ और एल बाई रो ए। वी इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एल बाई सॉरी सिग्मा ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी चीज को क्या कह दिया गया है, रेसिस्टेंस कह दिया है। आई सी को वी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, आई आर लिखते हो। क्लियर वेयर, ये क्या हो गया रेसिस्टेंस। तो वेयर हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू एल बाई सिग्मा ए या रो एल बाई ए, ये चीज हमारे पास क्या हो गया रेसिस्टेंस हो गया। और यही हमारे पास में क्या हो गया ओम्स लॉ हो गया। तो इसको ध्यान रखना है कि ये कैसे लिखा जाता है, कि यदि कोई एक मैटर है यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लस है माइनस है और यहाँ पे हमें वी लिखना है, तो हम इसको आई टाइम्स ऑफ आर लिख सकते हैं यदि इसमें आई करेंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ओम्स लॉ भी डिराइव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को और देखेंगे। तो थैंक यू। अब क्या करो कि आप अब इस लेक्चर तक अभी तक जितना पढ़े हो एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्रॉम बिगनिंग, पूरा बिगनिंग से जो लेक्चर्स फर्स्ट से आपको दिखाया गया है कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थे, ठीक है, कुछ बेसिक पैरामीटर्स थे, फिर उसके बाद आपने मैक्सवेल देखा, मैक्सवेल से फाउंडेशन किया आपने कि किस तरह से नेटवर्क फाउंड किया जाएगा मैक्सवेल इक्वेशन से, फिर डिराइव किया, और ये तीन इंपॉर्टेंट टूल्स आपके पास मिल चुके हैं। तो बिल्कुल एक पेज में वो सारा लेक्चर क्या होना चाहिए, एक जगह पे नोट्स होने चाहिए, सारे लेक्चर एक वाले पार्ट, मतलब शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में आप बनाइए। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।